हेलो एवरीवन, आज की हमारी पोएम जो है वह है पतंग। इस पोएम में आलोक धनवा जी की द्वारा एक बिंबों की नई रचना की गई है, जहां पर शीत ऋतु में जो चमकीला सूर्य है उसका वर्णन किया गया है, कहीं तितलियों की जो है सुंदरता बताई गई है, कहीं दिशाओं में मृदंग बजते हैं। जहां छतों के खतरनाक कोने का गिरने का भय है, वहीं पर बच्चे जो है विजय भी पाते हैं और गिर गिर कर संभलते भी हैं, और पृथ्वी का हर कोना उनके पास चला आता है और नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला भी उनमें दिखाई देता है, और भादों का जो अंधेरा है उसकी वह प्रतीक्षा कर रहे हैं। पोयम इस प्रकार से है, सबसे तेज बुछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, यानी कि जो तेज बारिश होती है भादों के महीने से पहले वह अब चली गई हैं, यानी वह अब समाप्त हो चुकी हैं और सुबह हो गई है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। सवेरे की तुलना किससे की गई है? सुबह की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की गई है, जिसमें कवि यह कहता है कि बिल्कुल सुबह का समय जो है वो इतना किरणें जो है सूर्य की बिल्कुल लाल दिखाई दे रही हैं। कैसी लाल दिखाई दे रही हैं? जैसे खरगोश की आंखें हैं, यहाँ पर बिंब है, यानी कि आपके सामने एक पिक्चर बन जाती है इस पॉइंट में। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर जोर से, एक बच्चे को दिखाया है यहाँ पर कवि ने बिंब में, कि कहता है कि एक बच्चा साइकिल लेकर के आ रहा है और उसने अपनी घंटी साइकिल की तेज तेज बजाई है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, अब वह पतंग जो बच्चे उड़ा रहे हैं उन्हें बुला रहा है, उन्हें इशारे करके अपनी ओर बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को बुला रहा है और कहता है कि चलो पतंग उड़ाई जाए। यहाँ पर आकाश को बिल्कुल सॉफ्ट बना दिया उन्होंने, यानी कि उनकी पतंग एक नई ऊंचाई तक जाने को तैयार है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, पतंग जो है आकाश में जाके बिल्कुल हल्की हो जाती है और उसमें कई सारे कलर्स होते हैं, तो यहाँ पर कवि कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की है वो, क्योंकि आकाश में उड़ जाती है और रंगीन भी है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज बताया जो पतंग में कागज प्रयोग में लाया जाता है उसे। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, पतंग को बनाने के लिए बांस की तिलियों का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसका यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर बिंब बनाने का प्रयास किया है, पिक्चर बनाने का प्रयास किया है कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पतंग जब उड़ती है तो बच्चे खुश होकर के सीटियां बजाते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो चिल्लाते हैं, और वहां पर पतंग जो है बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई तितली हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, अब वो कह रहा है कि क्या इनके पाँव में कपास लगी हुई है बच्चों के, और वो कैसे आते हैं कि जैसे पृथ्वी घूम रही हो, यानी कि तुरंत ही चलना दौड़ना सीख जाते हैं बहुत छोटी ही उम्र में। और जब वे दौड़ते हैं तो बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, उन्हें कोई आसपास की परवाह नहीं होती है कि वो गिर जाएंगे या उन्हें चोट लग जाएगी। छतों को भी नरम बनाते हुए वो इस प्रकार से चलते हैं कि जो छतें हैं कठोर छतें हैं वो उन्हें बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे वो बिल्कुल नरम है, या देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नरम स्थान पर चल रहे हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ पर दिशाओं की तुलना किससे की है? मृदंग से की है, ढोल होता है एक तरह का वाद्य यंत्र होता है मृदंग। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर पेंग भरना होता है झूला, जब झूलते हैं तो उस पे खड़े होकर के पेंग बच्चे भरते हैं, तो वो कह रहा है कि वो जो डाल पे झूला झूल रहे हैं उससे बिल्कुल लचीले वेग से वो आते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, छत से गिरने वाले जो खतरनाक किनारे होते हैं बिना मुंडेर के,
उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जो बिना मुंडेर वाली छतों पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, कवि कहता है कि उस समय उनको कौन बचाता है, उस समय उनका जो रोमांचित शरीर है, क्योंकि पतंग उड़ाने से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड जब हो गए हैं, तो वो उन्हें संगीत जो है वो बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। एक धागे का सहारा होता है और उसी के भरोसे वो गिरते गिरते बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कह रहा है कि वो भी ऐसा लग रहा है, उन्हें जब हम बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब पतंग उड़ रही है तो वो भी साथ साथ उड़ रहे हैं, और जब वो मुंडेर आती है तो वहां से भी बच जाते हैं। इस प्रकार से हमें देख करके यूं लगता है कि वो पतंग के साथ साथ कहीं आकाश में उड़ रहे हैं। आज की कविता का मैं केवल आपको यहाँ पर भावार्थ ही समझा चुकी हूँ। उसके बाद हमने ये बात की कि इसमें बिंब का प्रयोग किया गया है, और साथ ही कविता जो है पतंग संग्रह से ली गई है, अलोक धनवा का जो एक संग्रह है उससे ली गई है, और तीन भागों में इसे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन है, यानी कि जो बालकों की इच्छाएं होती हैं और उनके भीतर जो एक उमंग होती है उसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर रखे हैं। क्लास 12 के लिए जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसे आप जा करके चेक कर सकते हो चैनल पर। चैनल पर आप नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन तो प्रेस करना है आप सभी को पता है। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।